हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने गांव के स्टाइल में चना दाल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, जिसे हमारे घर पर नकदैया दाल भी बोलते हैं। और इसे बनाने का तरीका भी थोड़ा अलग है और इसे हम मिट्टी के बर्तन में बनाते हैं। तो इसे कैसे बनाते हैं, चलिए हम देख लेते हैं। यहां पर मैंने आधा कप चना दाल लिया है और उसे धोकर आधे घंटे पहले एक कप पानी में भिगो कर रख दिया है। अभी दाल पहले से अच्छी तरीके से फूल चुकी है। अब हम इसे कुकर में उबलने के लिए रखेंगे। ऐसे इस पूरी दाल को बनाने का प्रोसेस मिट्टी के बर्तन में ही करते हैं, लेकिन गांव में क्या होता है कि वहां पर कोयले की आग होती है, जिससे धीमी आंच पे वो पकता रहता है और इसे बनने में थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन यहां दाल हमें गैस पर बनाना है और टाइम भी बचाना है, जिसके लिए मैंने ये एक एक्स्ट्रा प्रोसेस किया है। तो कुकर में मैंने आधा कप पानी डालकर मीडियम फ्लेम पर दो सीटी लगा लिया है। अभी कुकर ठंडा हो चुका है, दाल को हम चेक कर लेते हैं। दाल हमारी लगभग पक जानी चाहिए, लेकिन हमें इसका पेस्ट नहीं बनने देना है। तो ये देखिए, दाल बराबर पक चुकी है और दाल खड़ी भी है। चलिए अब हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने एक छोटी इलायची, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, 3 लौंग और 8-10 दाने काली मिर्च के लिए हैं। इन्हें हमें कूट कर दरदरा पाउडर बना लेना है। इसके बाद मैंने 5 कलियां लहसुन की ली हैं, इसे हम क्रश कर लेंगे। इसका पेस्ट नहीं बनाएंगे, सिर्फ इसको दरदरा कूट कर रख लेंगे। अब हम दाल बनाने की प्रोसेस शुरू करते हैं। यहाँ मैंने मिट्टी की हांडी को गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया है, इसे हम दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मैंने 4 चम्मच तेल डाला है। तेल जब गर्म हो जाए तब हमें इसमें डालना है 1/4 टीस्पून जीरा और 1/4 टीस्पून हींग। हींग इसमें थोड़ा सा अधिक डालेंगे, इससे इस दाल में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और साथ में हम 1 तेज़पत्ता डालेंगे। और जब जीरा लाल होने लगे तब हम इसमें 1 इंच कटा हुआ अदरक का टुकड़ा डालेंगे। और इसी के साथ मैंने 2 हरी मिर्च बीच से फाड़ लिया था, उसे डाल दिया है। यहाँ पर हमें डालना है क्रश किया हुआ लहसुन। इसके बाद हमें डालना है इसमें प्याज। प्याज मैंने एक बड़े साइज़ की पतले स्लाइसेस में कट कर लिया था। आप जब भी इस दाल को बनाएं तो प्याज की कटिंग ऐसे ही करें, इससे दाल में बाइंडिंग बहुत ही अच्छी आती है। और इस प्याज को हमें तब तक भूनना है जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए और इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम ना हो जाए। देखिए, अभी प्याज की क्वांटिटी भी कम हो चुकी है और प्याज पहले से सॉफ्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर अब हम डालेंगे सूखे मसाले। तो इस टाइम पर हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। यहाँ मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है और 1 चम्मच के करीब मैंने काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है। इससे दाल में कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो इसे हम एक बार चला लेंगे और याद रखना है कि हमें गैस की फ्लेम को लो रखना है। अभी ये मसाले जले ना, इसके लिए मैंने यहाँ पर टमाटर डाल दिया है ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो मेनटेन रहे। यहाँ पर मैंने 2 छोटे साइज़ के टमाटर का यूज़ किया है। अब इसे हम चला लेंगे एक बार और इसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ और मसाले, जैसे कि 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच नमक और 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर। इन मसालों को भूनने के लिए हम अलग तरीका यूज़ करेंगे, क्योंकि ये मेटल का बर्तन नहीं है तो मिट्टी के बर्तन में हम कंटिन्यू स्क्रैच करते हुए नहीं चला सकते। तो हम इसे एक बार मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढककर छोड़ देंगे। ये मसाला अपने आप ही भुनकर तैयार हो जाएगा। ध्यान रखें, अगर आप मिट्टी के बर्तन में बना रहे हैं तो ये प्रोसेस करें, नहीं तो अगर आप मेटल के बर्तन में बनाते हैं तो इसे बिना ढके चलाते हुए आप मसाले को भून सकते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं और मसालों ने तेल छोड़ दिया है। अब हम इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। टमाटर को हमें मैश नहीं करना है, जैसा हम नॉर्मल बाकी रेसिपी में करते हैं। टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, बस इतना ही टमाटर को पकाना है। क्योंकि अगर आपने ढाबे पे दाल खाई होगी तो ये टमाटर कुछ ऐसे ही दिखता है। और यहाँ पर अब मैंने ऐड कर दिया है मसाला जो हमने पहले से कूट कर तैयार किया हुआ था। इस मसाले को हम भूनेंगे नहीं, ये दाल के साथ ही पकेगा और दाल में एक अच्छा सा फ्लेवर देगा। तो अब हम इस टाइम पर ऐड कर देंगे उबली हुई दाल को। तो पहले हम इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं कि हमें दाल की कंसिस्टेंसी पता चल जाए कि हमें दाल कितनी गाढ़ी रखनी है।
वैसे इस दाल की कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी होती है तभी अच्छी लगती है, लेकिन अगर आपको तुरंत खाना है तो आप पानी कम डालें। अगर आप थोड़ी देर बाद खाएंगे तो पानी ज़्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि दाल ठंडे होने के बाद और भी गाढ़ी हो जाती है। तो यहाँ मैंने आधा कप पानी का यूज़ किया है। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे ताकि दाल में अच्छी सी उबाल आ जाए, और जब दाल उबलने लगे तब हम इसमें दाल का जो मेन सीक्रेट इंग्रेडिएंट है उसे डालेंगे। जी हाँ, इसमें देसी घी जाएगा जो दाल को एक अलग ही लेवल पे लेकर जाएगा। इसका टेस्ट इतना अच्छा होगा, और दाल को जब हम घी के साथ मिट्टी के बर्तन में पकाते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। बस हम इसे लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहें तो बीच में एक दो बार चला भी सकते हैं। 10 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, घी ऊपर की तरफ दाल में अच्छी तरीके से आ चुका है, और दाल को हम मिक्स कर लेते हैं तो दाल की परफेक्ट कंसिस्टेंसी बनकर रेडी है। दाल की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि मैं इस वीडियो में आपको बता सकती हूँ, दिखा नहीं सकती। दाल के टेस्ट के लिए आपको ये दाल बनानी पड़ेगी। और दाल यहाँ हम एक बार और चेक कर लेते हैं तो दाल अच्छी तरीके से पक चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। वैसे हमारे यहाँ इस दाल के साथ बाटी खाई जाती है, आप चाहें तो इसके साथ रोटी या राइस भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। अगर आपको ये दाल की रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट करना ना भूलें। आप अगर गैस पर आसान तरीके से बाटी बनाने का तरीका देखना चाहते हैं तो मैंने वो वीडियो भी शेयर किया है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के एंड में दे देती हूँ, आप उसे ज़रूर देख लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।